हाय, मैं हूँ राहुल मिर्जा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप दूध में पानी की मिलावट कैसे जांच सकते हो। आजकल आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि दूध या क्या मिलावट कर रहा है, क्या दूध है, क्या ये पक्का दूध ही है या फिर इसने कुछ और इसमें उल्टी सीधी चीज़ मिला दी है। तो इसलिए एक चीज़ है, ये लैक्टोमीटर इसको कहा जाता है। ये आपको मार्केट में 20-30 रुपये का मिल जाएगा। ये पानी और दूध की स्पेसिफिक डेंसिटी को कंपेयर करता है, काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको जैसे आपके पास इसके अंदर एक रेड लाइन होती है, यहाँ पे 30 नंबर पे इस रेड लाइन पे है, मतलब कि दूध की मिलावट बहुत ही कम है। अगर ये उससे ऊपर जाता रहता है तो मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1/4, मतलब इसमें इस पूरे दूध में 1/4 हिस्सा पानी का है, और ऊपर जाता है तो आधा पानी और आधा दूध, और उससे और ऊपर चले जाता है मतलब इसमें सिर्फ थोड़ा सा दूध है और बाकी पानी है। ये आपको इलेक्ट्रोमीटर बहुत ही अच्छा डिवाइस है और ये कई लोगों ने सुझाव बड़े अच्छे से बनाया है। जैसे कि अब हमने इसको दूध में डाला, ये एकदम प्योर दूध है, देखते हैं ये क्या जवाब देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड लाइन है, जिसका मतलब है कि ये एकदम यहाँ पे एक 30 के पास एक रेड लाइन होती है, कि इसका मतलब कि इस पानी में बहुत ही कम मिलावट है पानी की, इस दूध में पानी की बहुत ही कम मिलावट है। और अगर ये ऊपर चलता रहता है तो यहाँ पे दे रखा है कि 1/4 पानी वगैरह, ठीक है। तो ये आप इसमें बहुत ही आसानी से जांच सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसानी से देख सकते हो। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें 1/4 से भी कम इसमें पानी है, बाकी सारा दूध है, मतलब ये एकदम प्योर दूध है और पीने के लिए एकदम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। ये वीडियो वैसे लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है, और अगर लोग एक साथ मिल के इकट्ठा होके दूध दे सके तो शायद से वो दूध मिलाना दूध में पानी मिलाना कम कर दे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बताएंगे कि दूध में जो है पानी की मिलावट हो तो कैसे डिटेक्ट की जाए, चेक किया जाए। ये हमारे पास लैक्टोमीटर है जो कि साइंटिफिक फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। हम इसमें अगर डिप करेंगे, अगर ये पानी में ज़्यादा डिप हो जाए तो इसका मतलब है आपके दूध में मिलावट है पानी की। क्योंकि पानी अगर हम दूध में डालते हैं, क्योंकि दूध में जो है फैट्स कंटेंट होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो इसके कारण जो है ये चीज़ जो है जो कम से कम डिप होनी चाहिए थी वो ज़्यादा डिप होगी। ये प्रिंसिपल है। और आप ये देखते हैं कैसे काम करता है। ये अगर आप लाल निशान देख पा रहे हो तो ये जो है 30 रीडिंग है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये इससे अगर ज़्यादा ये डिप हो जाए, ऊपर आ जाए यानी कि, तो इसका मतलब आपके दूध में पानी मिला हुआ है। हम ये डाल देंगे और इसको चेक करना भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको पूरी तरह दूध में डिप करना। और आप अगर देख सकते हैं कि जो लाल निशान है ये ऊपर है, यानी कि इसमें दूध में पानी की मिलावट कम से कम है। और ये आपको बाजार में 30 से 40 रुपए साइंटिफिक लैब से मिल जाएगा। और दूसरा ढंग क्या करते हैं दूधिया कि ये हमारा नापने वाला होता है जो कि 1/2 लीटर से 1 लीटर के आता है, तो वो इसको यहाँ से थोड़ा सा घिसा देते हैं जिससे कि 50 से 100 ml दूध कम हो जाता है। यानी कि आजकल जैसे 50 रुपए 60 रुपए दूध का रेट है, या तो दूध में पानी मिलाएंगे तो जिससे न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी दूध की वो कम हो जाती है, और दूसरा इसमें जो पानी होता है वो शुद्ध नहीं होता, ना RO का होता है ना वो डिस्टिल होता है, तो हैवी मेटल्स कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, तो इस एक प्रकार से आपकी हेल्थ से खिलवाड़ होता है। जो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज ऑफ सच ए कंटेमिनेटेड मिल्क आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है, जैसे कि कैंसर या लीवर के कोई भी रोग हो सकता है। कि कैसे आपने दूध में पानी की मिलावट को चेक करना है, तो पानी की मिलावट जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है भारत में, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। एटलीस्ट लोग जो है बिना बात के प्रदर्शन करते हैं इस मिलावट के खिलाफ, कोई भी आवाज उठाने के लिए कोई भी आज तक एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। क्योंकि गली गली में हम देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स, किसी को पेट की बीमारी है, किसी को कई प्रकार के रोग लग रहे हैं, क्योंकि ये मिलावटी दूध एक प्रमुख कारण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है अपने दूध को जो है लैक्टोमीटर से हर 2 या 3 हफ्ते बाद दूधिया के सामने चेक करते हैं। तो हमारी कई वीडियो हैं जिसमें आपको दूध को कैसे चेक करना है उसमें विस्तार में बताया जाएगा,
पर फिर भी आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि इसको दूध में डिप किया जाता है और ये जो है ये देखिए रेड लाइन है, अगर इससे ज़्यादा डिप हो जाए तो इसका मतलब है दूध निकाल कर उसमें पानी मिलाया गया, और जितना ज़्यादा ये डिप होता जाएगा ये देखिए अगर इतना डिप होगा तो इसका मतलब है 250 ml जो है इसमें पानी मिलाया गया। तो ये हमारे पास आधा लीटर का जो है ये है दूध नापने का, तो इसमें जो है अगर आप ये देखिए तो कम से कम ये लीटर का है, इधर आप देखिए ये यहाँ तक इतना पानी डाला गया। और आजकल दूध के रेट वैसे भी 50 रुपये पर लीटर है, अगर उसमें 1 लीटर में 250 ml पानी मिलाया गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है अराउंड 1/4 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, यानी कि 50 लीटर है उसमें से 1/4 अगर उसमें पानी है तो उसकी जो प्राइस जो है आपको 60 रुपीज़ से ज़्यादा पड़ेगा। तो आप ये देखिए, और ये दूध जो है हमारा सैंपल फेल हो गया दूधिया के सामने, तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और आप उससे सबक ले सकते हैं कि कैसे दूध को चेक करना है लैक्टोमीटर से। ये तो ठीक है, वैसे तो डूब रहा है, टिक रहा है, वैसे ये नीचे टिक रहा है, ये डूब रहा है, डूब रहा है। मलाई ये देखो पानी डाला हुआ है बहुत ज्यादा, ये देखो ये 1 मिनट, ये 1/4 है, 1/4 के आसपास है, और ये जो है ना ये देखिए इधर आना चाहिए 3 पर, ये देखो ये देखना, ये जो है ना ये रेड लाल लाइन, लाल लाइन ये और ये आता है यहाँ पे, और इसमें डालना, इसमें इसमें टिक जाता है, अच्छी तरह नहीं तैरता ये, इसमें डाल दो ना, पता नहीं क्या इसमें अकलमंदी दिखा रहे, या तो लीटर के में फ्लोट करेगा ये। चलो इसमें दिखा लो, इसमें कहाँ है अब जितना दूध से दूध निकाल कर पानी डाला जाता है उतनी ही दूध की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है और उसमें मिलाई भी कम बनती है, और इस प्रकार जो है आपकी दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ खिलवाड़ होता है। लाल लाइन और 1/4 के बीच में है आधा पाव पानी, आज भी कल पाव पानी था, कल तो यानी कि पानी था, इतना गुस्सा आया मगर इसको पकड़ के ना थप्पड़ मारू खींच खींच के, तो ये थोड़ी 62.5 रुपये किलो दूध देगा। मैं लैक्टोमीटर जो है किसी भी साइंटिफिक दुकान से आपको मिल जाएगा, ये आमतौर पे दुकानों पर नहीं मिलता, आप चाहो तो रेडिफ से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। उसको ना अपने आप निकाल के ले आकर, और ना तो देता रहे चाहे कितना ही, हम पैसे नहीं देने वाले, बस सीधी बात है। अगर आपके पास ऐसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं या खोज है जिससे दूध में मिलावट को चेक किया जा सके, या कोई और आपके पास प्रोडक्ट हैं जिससे सब्जियों में, फलों में या अनाज में मिलावट का पता लगाया जा सके, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो जो है अपने चैनल पर ज़रूर डालेंगे। और ये हमारा अभियान है कि लोग जागरूक बने, सजग बने, क्योंकि भारत में जो है कैंसर के बहुत केस बनते जा रहे हैं, तो मिलावट को रोकना जो है हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।